मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि हमारी सरकार राजस्थान को महिलाओं के लिए सर्वाधिक सुरक्षित प्रदेश बनाएगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राजस्थान को अपराध मुक्त प्रदेश बनाने के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि प्रदेश संविधान और कानून से चलेगा, न कि तुष्टिकरण से। इससे पहले प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने अभिभाषण की चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि केंद्र सरकार चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम कर रही है। उन्होंने सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से भारत की 500 साल की प्रतीक्षा पूरी हुई है। मैं तो एक गांव से आने वाला एक ऐसे परिवार का व्यक्ति हूं, एक छोटे किसान परिवार से आता हूं, जीवन अभावों में भी गुजरा है। मेरा मुख्यमंत्री बनना अभी तक शायद ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं। बैठिए बैठिए। अरे सुनिए माननीय सदस्य, दरअसल विपक्ष के कुछ माननीय सदस्य पूरा सुन, इसलिए आप मैं पर्ची पर भी आ रहा हूं, आपकी पर्ची पर भी मैं आ रहा हूं। दरअसल विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों के अवचेतन मन में पर्ची का डर बैठा है, आपके मन में पर्ची का बड़ा डर बैठा है, इसलिए वो बार बार पर्ची का उल्लेख करते हैं। आरएस में तीन तीन चार चार एक ही परिवार के सदस्य आ रहे हैं, और फिर ये देखिए, यही नहीं दादा, यही नहीं, आगे और देखिए, अरे आगे और देखिए, यही नहीं, आगे देखिए, नंबर भी एक ही आ रहे हैं। अरे भाई 80 नहीं आए, 79 आ जाए किसी का, अरे ज्यादा दिक्कत हो तो 81 कर दो, लेकिन नहीं, पूरे जो कहा वही तो करेगा, वो जो कहा है वही तो करेगा, इसलिए वही करके उन्होंने दिखाया।